Today I am going to discuss a very important topic about time management. I am getting different type of questions in community and other forum from you people and almost all aspirants, how to manage the time. Students are saying that we are facing lot of problem to manage our time. हम अपने घर के टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, अपने शेड्यूल को मैनेज नहीं कर पाते, हमारा सिलेबस ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है चेक नहीं कर पाते और बहुत सारा टाइम हम वेस्ट करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इफेक्टिवली अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, हमारे टाइम के सीपेज कहाँ कहाँ पे हैं, हम कहाँ कहाँ मेजरली टाइम को स्पेंड करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ कहाँ पे स्पेंड करते हैं आप, कहाँ कहाँ करना चाहिए और कैसे इसको और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने डेज हैं, अब कितना टाइम बचा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है JEE 2019 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th of January, लेकिन कुछ एग्जाम आर्किटेक्ट के 6th of January से स्टार्ट होते हैं, तो हम 6th को टारगेट डेट लेके चलते हैं। अगर हम 6th को टारगेट डेट लेके चलते हैं तो आज से लेके 6th of January तक वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 35 डेज। हमारे पास कितने दिन है? 35। अब देखने में लग रहा है कि 35 डेज बहुत ज़्यादा है। अब हम ये एज्यूम करके चलते हैं, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आखिरी टाइम पे जो हम टाइम स्पेंड करते हैं वो एटलीस्ट 8 hours a डे होता होगा। हालांकि टाइम फिक्स नहीं है, दिस आवर इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट, किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए ये कम हो सकता है, बट इफेक्टिवली हम ये मान के चलते हैं 8 hours तो स्पेंड करने ही चाहिए। जिसका मतलब मेरे को आज से कितने टाइम मिल रहे हैं? 280 hours। कितने टॉपिक पढ़ने हैं हमें? 76। इसका मतलब ये हुआ कि एक टॉपिक को अप्रॉक्सीमेटली 3.5 hours मिले। इसका ये बिल्कुल मतलब निकालिए कि भाई 3.5 hours एग्जैक्ट मुझे एक टॉपिक को देना, फिर ये खत्म हो जाएगा। एक ब्रीफ डिस्कशन है, हो सकता है कुछ टॉपिक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, या आप 3.5 hours स्पेंड नहीं करना चाहते हो सकता है उसमें 30 minutes इज मोर देन सफिशियंट, तो आप वो बचा हुआ टाइम अपने डिफिकल्ट टॉपिक को दे सकते हैं। ये एक रफ एस्टिमेशन है पर टॉपिक के हिसाब से, ताकि मुझे ये पता चल पाए टॉपिक वर्सेस टाइम कितना है, कितना टाइम बचा हुआ है, कितने टॉपिक्स बचे हुए हैं। अब एक वीक की अगर हम बात करें तो उन 76 टॉपिक्स में से मुझे एक वीक में कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने चाहिए? कायदे से 16। फिर से ये बात है कि अलग अलग टॉपिक्स के लिए आप थोड़े बहुत कम या ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट डेट ऐसा होना चाहिए कि इन 35 डेज में, लास्ट के 35 डेज में, जो बहुत ही क्रूशियल हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपके रैंक के लिए, आपके मार्क्स के लिए, ये लास्ट के 35 डेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपके मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है। इसलिए टारगेट डेट 35 डेज का एकदम फिक्स होना चाहिए कि आपको 16 से 17 टॉपिक्स तो कवर अप करने हैं वन वीक में, ताकि आप टाइमली सब चीज़ों को एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर पाओ। हो सके तो शुरुआत के टाइम में आप स्पेंड करो ज़्यादा टाइम अपने क्लास 11th के टॉपिक में, क्योंकि 12th वाला अभी आपने पढ़ा होगा और कुछ बच्चों को रिविजन रहता है 12th में, उतना ज़्यादा वेटेज भी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से नहीं है। तो 11th को आप फर्स्ट में टाइम दीजिए, फिर आप 12th में मूव कीजिए। इन सारे डिस्कशन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नजर आती है वो क्या है? टाइम। हम ही कहते हैं टाइम एक पेरिसिबल कॉमोडिटी है और इसको लूज करना तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा कैसे? इस प्रॉपर यूटिलाइजेशन को समझाने से पहले मैं एक बहुत छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जिसे आप देखिए, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, जिससे हमें यह समझ आएगा कि टाइम का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करना ज़्यादा इफेक्टिव है और अगर नहीं करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। सो लेट्स स्टार्ट। एक छोटी सी स्टोरी है जिसको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको देखिए। स्टोरी कुछ ऐसी है, एक बार एक टीचर है और वो टीचर के हाथ में एक जार है, जैसा कि आप देख रहे हैं। टीचर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं, आप थोड़ा रियलाइज कीजिए इसको, वो कहते हैं कि यार आज हम ना कुछ क्विज सॉल्व करना चाहते हैं। तो लेट्स से जिस टीचर के हाथ में जार हैं, उनके हाथ में देखिए आप स्टोन रखे हुए बहुत सारे, अपने बच्चों से पूछते हैं इस स्टोन से इस जार को फिल कर सकते हैं कि नहीं। बच्चों ने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, सारे स्टोन्स को जार के अंदर डाल दिया। अब उन्होंने पूछा क्या जार फुल है? सभी ने कहा हाँ बिल्कुल फुल है, देखने में तो लग रहा पूरा फुल है। लेकिन अब आप ये देखिए, टीचर ने एक नया एग्जाम्पल लिया, उन्होंने कहा छोटे छोटे स्टोन्स के पीसेस इस जार में अभी भी आ सकते हैं, इसका मतलब इस जार की कैपेसिटी है कि और स्टोन इसमें आ सकते हैं। अब उन्होंने फिर पूछा क्या ये जार फुल है?
बच्चों ने अब सोचना, या पहले भी फुल कहा था लेकिन जगह तो बची थी, तो बच्चों ने फिर कहा यस। अब टीचर ने छोटे छोटे सैंड के टुकड़े लिए और जार में और डाला, तो वो जार में तो और भी आ गए। फिर पूछा क्या ये फुल है? अब बच्चों ने कहा पता नहीं क्या करते हैं। फिर उन्होंने इसमें और वाटर डाल दिया। अब आप इसको समझिए, शुरू में उन्होंने क्या डाला? स्टोन, बड़े स्टोन। बाद में क्या डाला? छोटे छोटे स्टोन। बाद में क्या डाला? और छोटे स्टोन। बाद में क्या डाला? वाटर। तो जार अब कंप्लीटली फुल है, जार का हर स्पेस इज यूटिलाइज्ड, जो प्रिपरेशन है वो भी इसी जार की तरह। तो आपको ये पहले डिफाइन करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहला टाइम आप किस टॉपिक को देते हो, सबसे पहला टाइम आप किस थ्योरी को देते हो। अगर आपने रिवर्स किया, रिवर्स का मतलब अगर मान लेते हैं टीचर पहले सैंड डाल देते, छोटे टुकड़े डालते, तब शायद ये बड़े बड़े जो स्टोन के पार्टिकल्स हैं वो इसमें आ ही नहीं पाते। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम कई बार इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इस स्टोरी के थ्रू हम एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं, हम इस पे आते हैं। तो इस स्टोरी के थ्रू हम एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू कैनॉट कंट्रोल टाइम। आप टाइम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन उसको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा ही जार है जो आपका 24 आवर्स है और आपने उसमें बड़े स्टोन की जगह गलती से छोटे स्टोन पहले डाल दिए जिसकी इंपॉर्टेंस कम थी, तो वो बड़े स्टोन जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो शायद पूरी तरह से आ भी नहीं पाएंगे। तो इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि पहले क्या डालना था, आप समझिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स। आपके पास बड़े स्टोन थे, आपके पास छोटे स्टोन थे, आपके पास उससे भी छोटे थे, उसके बाद आपके पास वाटर था। अगर आप एक के बाद एक सही तरीके से चीज़ों को डालते हो तो सब कुछ उस जार में आ जाता है। लेकिन अगर आपने जरा सा चेंज किया, पहले वाटर डाला फिर सैंड डाला, तो ये सारी चीज़ नहीं आ सकती। तो ठीक उसी तरह 24 आवर्स आपका जार है। इस 24 आवर्स में आपको किस तरह से स्टडीज़ करनी है, कौन से टॉपिक पहले लेने हैं, कौन से आपके लिए बड़े स्टोन्स हैं, ये पहले से डिसाइड कर लो। उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ जो आपकी स्टडीज़ हैं उन बड़े टॉपिक्स को दीजिए, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को दीजिए जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिसमें आपकी वीकनेस है। तो आप उस 24 आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने एकेडमिक इनपुट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस देखी है सारे बच्चों से, कि अगर मैं एक बच्चे के 24 आवर्स को प्लान करूं, जैसा कि हमने अभी बूस्ट योर कोर्स, अगर आपने वो उस कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपने देखा होगा हमने आपके 60 डेज को मैनेज करने की बात करी थी। तो उसमें हमने बहुत सारे रिसर्च किए कि हम किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल होगा, किस टाइम को आप कौन सी चीज़ पढ़ोगे तो ज़्यादा रिटेन कर पाओगे। तो अगर मैं आपके पूरे एंटायर डे को क्लासीफाई करूँ कि भाई आपके 24 आवर्स एक्चुअल में जाते कहाँ हैं, तो मैंने देखा है कि देर आर 5 डिफरेंट और देर आर 5 मेजर क्लासिफिकेशंस। 5 ऐसे एरिया हैं जहां पे एक बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। कौन कौन से 5? एक एनिमेशन के थ्रू इसको समझते हैं। एक ट्री बनाया है जिसमें, जो समझिए कि आप हैं, और उस ट्री में मैंने 5 एरियाज दिखाए हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो कौन कौन से वो एरिया है पहले इसको समझते हैं। एट होम, सबसे पहले हम किस में आ रहे हैं? एट होम में, दिस पार्ट। आप अपने टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा अपने घर पे बिताते हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एट योर स्कूल, आप अपने स्कूल में जाते हैं। थर्ड, आई एम राइटिंग ऑन क्रिएटिव क्लासरूम, अगर आप क्रिएटिव क्लास में एनरोल्ड हैं तो, और अगर आप किसी भी क्लास में एनरोल्ड हैं तो उस क्लास में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ टाइम आपके एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के टाइम टेबल में, उसकी प्रिपरेशन में जाता है, और कुछ अनप्लान्ड विजिट में जो सबसे डेंजरस है, जिसको आपने प्लान नहीं किया लेकिन आपको जाना पड़ता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि इन 5 एरिया में किस तरह से हम टाइम को मैनेज करें कि हमारे जार हमारे टाइम को मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। सबसे पहले आते हैं स्कूल में। मैंने जेई के एस्पिरेंट्स, मेडिकल के एस्पिरेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स से सुनना है कि स्कूल जाना का मतलब टाइम वेस्ट है, हम वहाँ पे उतना इफेक्टिव टाइम दे नहीं सकते, जो कि सही नहीं है। स्कूल आपका ओवरऑल करिकुलम का एक डेवलपमेंट करता है और बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात, सबसे ज़्यादा समझने वाली बात, कि आपको स्कूल में हमेशा रेगुलर होना है, आपको एब्सेंट नहीं होना है। अब आप बोलोगे हम स्कूल भी एब्सेंट नहीं होंगे, जेई का भी पढ़ेंगे, तो हम टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे? सब तो आपको दो चीज़ें बस करनी है। एक ये, जो फ्री टाइम स्कूल में आपको मिलता है उसको इफेक्टिवली यूज़ कीजिए। अपने मॉड्यूल्स ले जाइए, अपने DPPs ले जाइए, अपने क्वेश्चंस ले जाइए, उस फ्री टाइम में उसको यूज़ कीजिए। बिलीव मी, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन में, आपके टाइम मैनेजमेंट में। जो भी स्कूल में होमवर्क मिलता है आपको, बहुत सारे होमवर्क मिलते होंगे जो आप उसको घर ले आते हो,
उसको कोशिश कीजिए कि स्कूल ही में वाइंड अप हो जाए। तो अगर स्कूल में मेरे पास या आपके पास प्लान करने के लिए बहुत चीज़ें नहीं है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी चीज़ है जो खुद बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें सीपेज ऑफ टाइम सबसे कम है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। मेनली दो काम करने हैं। एक कि आप ये सोचिए कि जो ब्रेक टाइम है या जो टाइम ऐसा मिलता है जो स्कूल में कई बार टीचर नहीं आने की वजह से आपके 45 मिनट का पीरियड वेस्ट हो रहा है, उसको इफेक्टिवली हमें यूटिलाइज करना है। उस समय हमें अपने दोस्तों के साथ बातें नहीं करनी है, अगर हमें डिस्कशन करना है तो हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन करें, तो उस टाइम को हमें उस तरह से यूटिलाइज करना है। और जो भी हमारे होमवर्क्स होते हैं स्कूल में, कोई भी होमवर्क, उसको कोशिश करना चाहिए कि स्कूल में ही वाइंड अप कर लें, घर के लिए नहीं लाएं। तो वो दो चीज़ें भी अगर आप करते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से स्कूल के टाइम को मैनेज करते हैं। वापस आते हैं हम आपके सीपेज ऑफ टाइम के पूरे पांच एरिया में। अब आते हैं हम क्लासरूम की बात करते हैं, मैं ग्रेड अप प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ। अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड है तो कोचिंग की बात करते हैं। मैंने ये देखा है कि बच्चे पंचुअल नहीं होते, तो सबसे पहली चीज़ पंचुअल। पंचुअलिटी का मतलब क्या है इसको भी समझते हैं। लेट्स से आज आपके कोचिंग में दो सब्जेक्ट की क्लास है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। एक दिन आप एबसेंट हो गए ये सोच के कि यार एक ही दिन की तो बात है। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट टॉपिक में आप एबसेंट हो गए, तो अगले फोर टॉपिक उस एबसेंट का एक इम्पैक्ट होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के पहले टॉपिक में अगर आप एबसेंट हो गए, तो आयनिक इक्विलिब्रियम तक आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो एक क्लास छोड़ने का मतलब होता है फोर आवर्स, अगर दो क्लास, एक क्लास आपकी टू आवर्स की है, तो हम यहाँ पे 1 and 1.3 आवर्स की लेते हैं, तो इसका मतलब 3 आवर्स की आपकी क्लास मिस हुई। उस क्लास से रिलेटेड बाकी की क्लासेस सबके सब इफेक्टेड हुए। इसलिए पंचुअलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्लेटफॉर्म में लर्निंग के लिए, कहीं भी पढ़ने के लिए। तो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। सेकंड, इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं, जो भी आपको टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उसे फॉलो कीजिए। उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है, अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को, अपने मेंटर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो आप उनके पूरे एक्सपीरियंस को फॉलो करते हैं। कभी ये मत सोचिए कि भाई सर ने कहा आज फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो हम फिजिक्स ही क्यों पढ़े, हमारी केमिस्ट्री वीक है। हर टीचर को पता होता है कि उनके बच्चों की कौन सा टॉपिक वीक है, फिर भी वो किसी सब्जेक्ट को कह रहे हैं तो इसका कुछ मीनिंग है। इसलिए आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपकी इफेक्टिवनेस जरूर बढ़ेगी। फाइंड द मिसिंग लिंक का क्या मतलब है? कोई भी क्लास जब भी आती है, जब भी कोई क्लास होती है, हर दिन तो पहली क्लास नहीं होती है। मान लेते हैं कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में, एटॉमिक स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड 5 क्लासेस, 5 क्लास का टॉपिक है। आप पहली क्लास आपने अटेंड की, दूसरी क्लास जब आएंगे तो फर्स्ट का यूटिलाइजेशन होगा, तो उस सेकंड क्लास में जाने से पहले ही आप उस फर्स्ट क्लास को पढ़ लीजिए, ताकि वो जो लिंक मिस होता है बच्चों का वो ना हो। तो आप अगर एक एक क्लासेस पहले से करके जाते हैं जो होने वाली है। कई बार ऐसा भी हम क्लास में कहते हैं कि मान लेते हैं आपको ये पता है कि सारी कोचिंग, सारी क्लासेस बहुत ऑर्गेनाइज हैं। अब आपको पता है कि भाई इस क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करने वाले हैं, तो जो डिस्कस करने वाले हैं अगर एक बार रिवाइज कर लें और एक बार आगे का थोड़ा पढ़ लें, तो आप देखना आपकी क्लास की इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिसनिंग वर्सेस कॉपिंग। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या होता है बच्चे सुनते हैं, समझना और उसको रिटेन करना और उसको डाइजेस्ट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको क्लास में सुनना भी है, लिखना भी है, समझना भी है, डाइजेस्ट भी करना है, रिकॉल भी करना है। रिकॉलिंग का क्या मतलब हुआ? आपने एक टॉपिक आज क्लास में पढ़ा, लाइव क्लास में पढ़ा या वीडियो देखा, जब आप वीडियो बंद करते हैं, लाइव क्लासेस बंद होती है, तो आप 15 मिनट कुछ मत कीजिए। आप सोचिए पहले कि क्या उस वीडियो, 2 आवर्स के वीडियो का जिस्ट क्या है। एक बार अपने दिमाग में उसको रिकॉल कीजिए, उस रिकॉल से आपका वो वीडियो, वो क्लास एकदम रिटेन होता है। फिर अगली क्लास में उसका जो मिसिंग पार्ट होता है वो बिल्कुल नहीं होता, तो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डाउट वर्सेस सॉल्यूशन। मैंने ये देखा है कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बच्चे करते हैं और एक बार उनसे नहीं होता, वो छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कैसे? या सॉल्यूशन देखते हैं। तो डाउट और सॉल्यूशन में डिफरेंस है। डाउट का क्या मतलब हुआ? आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ और आपने बहुत जल्दी सॉल्यूशन देख लिया, तो क्या हुआ? आपने एफर्ट्स नहीं डाले, आप उस कॉन्सेप्ट की मल्टीपल चीजें नहीं सीखे। मान लेते हैं कि मेरे पास दो चॉइस है, एक कि मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, लेट्स से द न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आया और मैंने पहली बार में सॉल्यूशन देखा और मैं समझ गया, मुझे लगा कि लर्निंग है, मैंने सॉल्यूशन देखा। अगर आपने टॉपिक पढ़ा और सॉल्यूशन देखा है तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर इसको रिवर्स करें कि मैंने क्वेश्चन देखा, मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ, मैंने एक अटैम्प्ट लिया नहीं हुआ, दूसरा अटैम्प्ट लिया नहीं हुआ, तीसरा अटैम्प्ट लिया नहीं हुआ, 10th अटैम्प्ट हुआ अब भी नहीं हुआ, अब आपने सॉल्यूशन देखा, आपकी समझ आया,
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन द वेरी फर्स्ट पार्ट, जब आपने पहला अटेम्प्ट लिया नहीं हुआ और आपने सॉल्यूशन देखा, दूसरे में आपने 10 अटेम्प्ट्स लिए फिर सॉल्यूशन देखा, तो दूसरे वाले में आपको सॉल्यूशन के साथ साथ 10 ऐसे तरीके भी आ गए जिससे वो क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? एरर्स, जिसकी बात हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप जेई में एक भी गलती करते हैं तो आपको +4 की जगह -1 मिलता है, 5 मार्क्स एरर। अगर आपने 10 ऐसे तरीके जान लिए उस न्यूमेरिकल में जिससे गलतियां होती हैं, तो इसको हम कहते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। तो इसलिए सॉल्यूशन देखने की जल्दी मत कीजिए, सॉल्यूशन को बिल्कुल मत देखिए, और कोशिश कीजिए कि वो बाय डिफॉल्ट आपसे हो जाए। जितनी देर में हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके एरर अपने आप कम होते जाएंगे। यही लर्निंग है, इसी से एरर कम होते हैं। ऐसा होता नहीं कि आप एग्जाम देने से पहले जाओ और सोच के जाओ यार आज गलती नहीं करेंगे और गलती नहीं होगी। ये प्रैक्टिस की बात है जो आपको डे बाय डे इम्प्रूव करता है, जो आपको और अच्छा करता है और आपके एरर्स को मिनिमाइज करता है। अब हमने दो चीज़ों के बारे में बात की जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक है स्कूल, दूसरा है आपके क्लासरूम, ग्रेड अप क्लासरूम। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम टाइम। क्या होता है एग्जाम? एग्जाम बोलते ही स्ट्रेस आ जाता है, हम सोचते हैं यार ये तो टॉर्चर है। तो इस एग्जाम को हम ज़रा समझते हैं। सबसे पहली चीज, एग्जाम को आप समझिए कि जो आपने प्रिपरेशन किया है उसका एक कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट है वो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि भाई आपने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, अब आपने उसका क्विज दिया ऑनलाइन और आपने देखा कि कितने एरर्स किए, आपको पता चला, रियलिटी पता चली। अब इस अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है और आपने वो टेस्ट दे रखा है तो आपको पता चलता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, मेरे इतने मार्क्स आए, कम आए, दैट मीन्स प्रैक्टिस कम थी, गलतियाँ की, इसका मतलब जल्दी जल्दी सॉल्यूशंस देखे थे, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसका मतलब बिना थ्योरी क्लियर हुए ही हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिए। और कई बार सब कुछ सही होता है फिर भी मार्क्स कम आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखा है, हरभजन किस बहुत प्रैक्टिस करता है, गारंटी है कि हर क्रूशियल मैच में भी वो सेंचुरी मारेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो वो चीज़ है कि अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिसिंग की है, दैट डजंट मीन, कभी कभी एग्जाम में कम मार्क्स आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको वो कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी कि आपने 10 टेस्ट लिए हैं तो आपके कितने में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। और एक हमेशा याद रखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोल्ड मेडल एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब है? अगर आप छोटे छोटे टेस्टों में मार्क्स ला रहे हैं तो वो गोल्ड मेडल है, लेकिन अगर आप बड़े टेस्ट, बड़े प्लेटफॉर्म के टेस्ट जहाँ पे लाखों बच्चे दे रहे हैं वहाँ ला रहे हैं तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह है। तो आपका टारगेट वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ होना चाहिए, बट उसके लिए आपको बहुत सारे गोल्ड मेडल लेने हैं। तो आपको छोटे छोटे टेस्ट से उस बड़े टेस्ट की तैयारी करनी है। एग्जाम के टाइम में एक बहुत अजीब सा टेम्परामेंट होता है कई बच्चों में, थिंक एंड एक्ट रेदर देन एक्ट एंड थिंक। का क्या मतलब है? आपने कभी बार देखा होगा, आप कई न्यूमेरिकल्स में ना पहले ही प्री जज कर लेते हो इसे ऐसे होना है। आपने देखा कि लेट्स से केमिकल काइनेटिक्स में इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, तो बिना कुछ सोचे के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल बाय फाइनल, आपको पता था फॉर्मूला, उसमें डेटा भी दे रखा है, तो आप बहुत जल्दी उस इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन को रखने की बात करते हो। इसको हम कहते हैं कि उस बच्चे ने बिना सोचे एक्ट किया। अब आप सोचोगे ऐसा तो हम करते नहीं है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। बिलीव मी, 80% एरर आर बिकॉज ऑफ दिस। दैट मींस कि हम पहले रिएक्ट कर जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं, फिर सोचते हैं यार हमने सही किया कि नहीं, अब तक हम मार्क कर चुके हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, समझिए, टाइम स्पेंड कीजिए, फिर देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद अटेम्प्ट। एक मेथड में आपको डिस्कस करता हूं कि ABCD, अगर आप लाई करते हो ए कैटेगरी में तो 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना चाहिए, अगर आप लाई करते हो डी कैटेगरी में तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ए में लेना चाहिए। ये दो ऐसे हैं जिसमें थोड़े नेगेटिव मार्किंग होते हैं, यानी नेगेटिव -1 के चांस इन दो कैटेगरी में है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको 0 मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको +3 मार्क्स मिलेगा। ये दो सबसे डेंजरस कैटेगरी है। इसका मतलब है किसी टॉपिक में अगर आपको नॉलेज एंड प्रैक्टिस ये दो चीज़ें हैं तो आपको +3 मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये दो करना तो हमारे हाथ में, तो +3 कितने लाएंगे हमें पता है। अगर आपकी नॉलेज भी नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमें नेगेटिव मार्क्स तो नहीं ला के देगा। हमारी प्रॉब्लम इन दो में है, तो इन दो को सबसे पहले हमें ब्लॉक करना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो हमारे टॉपिक में मजबूती हो, प्रैक्टिस भी किया हो, नॉलेज भी हो, और उसके बाद हमारे क्वेश्चन मिले तो हम बहुत जल्दी उसको अटेम्प्ट लेंगे।
आफ्टर एग्जाम, एग्जाम के बाद आपका काम खत्म हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर एग्जाम आता है, जब हम उस टेस्ट की एनालिसिस करते हैं, माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देना और माइक्रो एनालिसिस नहीं करना, इसका मतलब है वो टेस्ट का टाइम भी वेस्ट हुआ, उस टेस्ट की प्रिपरेशन भी वेस्ट हुई। अब आपने टेस्ट दिया लेट्स से 10 क्वेश्चंस का केमिस्ट्री में, एंड यू स्कोर आउट ऑफ 10 5 क्वेश्चन करेक्ट 5 रॉन्ग। अगर 5 करेक्ट किए हैं तो इसका मतलब 15 मार्क्स हो गए, 5 गलत किए तो 5 माइनस 5 हो गए, 10 मार्क्स आए। 10 मार्क्स कितने में आए? 30 में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप माइक्रो एनालिसिस कैसे करेंगे? आप ये देखोगे वो 5 क्वेश्चन जो एरर थे उसका एक शीट बनाइए, उस शीट में लिखिए ये टॉपिक था इसमें मैंने गलती की थी। आप सोचिए इस टॉपिक में जो आपने एरर किया था उसका रीजन क्या है, रीजन क्लासिफाई कीजिए। क्लासिफिकेशन 4 तरीके से आप कर सकते हो। वो टॉपिक आपको नहीं आता था, उसकी थ्योरी क्लियर नहीं थी, क्वेश्चन आपने मिसअंडरस्टूड किया, आपने जल्दी रिएक्ट कर दिया सिली मिस्टेक्स की, तो इससे आपको पता चलेगा बार बार टेस्ट देने के इस एनालिसिस से कि आपके सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स किसकी वजह से हैं। सिली मिस्टेक्स की वजह से, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी की वजह से, आपकी समझने में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में एरर है, या आप क्वेश्चन ही गलत समझते हैं। तो जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि भाई आपके एरर किसकी वजह से हो रहे हैं तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए एग्जाम की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आते हैं इस बहुत ही बढ़िया चीज में, अनप्लैंड विजिट। अनप्लैंड विजिट का क्या मतलब है? कई बार मैंने देखा है कि आपकी क्लास लगी हुई लाइव क्लास, लास्ट के मोमेंट में हमने लाइव क्लास ली, आप आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? किसी की मैरिज में जाना था, अनप्लैंड विजिट। क्यों नहीं आए? घर में फंक्शन था, अनप्लैंड विजिट। सॉल्यूशन क्या है यार इस अनप्लैंड विजिट का? फॉर दीज 2 ईयर्स स्पेसिफिकली नाउ दीज 35 और 40 डेज, इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं इसके ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं करूँगा। कोई भी अनप्लैंड विजिट है जिसका बैकअप आपके पास नहीं है, स्पेसिफिकली लास्ट के 35 डेज में बैकअप क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, तो सिंपली से नो टू ऑल अनप्लैंड विजिट। सारे अनप्लैंड विजिट को एक ही चीज़ हमें बोलनी है, नो। तो अब मैंने आपके ये 4 ब्रॉड कैटेगरी डिस्कस किए, एग्जाम टाइम में हमें क्या करना है, अनप्लैंड विजिट को कैसे बोलना है, ग्रेड अप क्लास में हमें कैसे करना है, स्कूल में कैसे करना है, और घर पे हम किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे घर का टाइम को हम मैनेज करने के लिए किन किन टूल्स की जरूरत होती है। पहला टूल है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है? हम किसी भी एग्जाम की जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का की पॉइंट ये कहता है, सबसे पहला की पॉइंट, एंड को माइंड में रखिए। एंड का मतलब क्या है? 9th of January आपका टेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9th of January के बाद हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास ये 35 डेज है। इन 35 डेज में जो बच्चे 12th में हैं उनको बोर्ड का प्रेशर है, जेई का देना है, कुछ को करिकुलर एक्टिविटी है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लास्ट में कुछ ट्यूशन में रिविजन हो रहे हैं, हमारे क्लासेस लाइव क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं, तो प्रायोरिटी आपको कैसे देनी है? बोर्ड को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली प्रायोरिटी देनी है, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। जेई को इक्वली प्रायोरिटी देनी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैनेजमेंट हर बच्चे का अलग अलग है, तो मैं इसको कैटेगराइज नहीं कर पाऊंगा या जनरल स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा। को कैरिकुलर एक्टिविटी को अवॉइड करना है। किसी भी क्लासेस, ऑनलाइन क्लास में अगर आप जाते हैं तो आपका टाइम थोड़ा बचता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ट्यूशंस इसके आखिरी मोमेंट पे बिल्कुल नहीं जाने हैं। आप अपने लोड को टाइम के यूनिट में जरूर फ्रेगमेंट कर लीजिए। टाइम के यूनिट में मतलब ये हुआ कि जैसा शुरुआत के टाइम में मैंने कहा था इतने चैप्टर्स है, इतना है, तो उससे आप और एनालिसिस आपकी प्रॉपर हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट में आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। टाइम मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट और की रोल आता है पॉजिटिव थिंकिंग। क्या मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग का? मुझे बच्चे कहते हैं कि जो बच्चे जेई में सेलेक्ट होते हैं, जो बहुत अच्छे रैंकर्स होते हैं, उनका IQ बहुत शार्प होता है, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, उनका स्किलफुल, सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू गेट AIR 1 यानी जेई में फर्स्ट रैंक लाने की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट बच्चे जानते हैं। क्या? हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, हमारी नॉलेज क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ पता है, मुझे बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो सवाल है फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम बच्चे उसको अचीव कर पा रहे हैं? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड। टॉपर्स का एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। इस एटीट्यूड को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिया है। ए को मैंने 1, बी को 2, लेकिन जेड तक हम 26 में आ गए। स्किल, आपकी कुछ बच्चों की न्यूमेरिकल स्किल बहुत अच्छी होती है, आप न्यूमेरिकल दीजिए फटाफट सॉल्व करते हैं, स्किल को हम 82 पॉइंट्स अगर आप इन सारे पॉइंट को ऐड करते हैं। सी द पॉइंट्स ऑफ एटीट्यूड, इट इज 100%। मैं जानता हूँ इसका कोई उतना मीनिंग नहीं है कि भाई चलो ये तो बाई डिफॉल्ट आ गया नंबर से,
लेकिन बिलीव मी एटीट्यूड प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड लर्निंग का है तो आपको सिखाया जा सकता है. लेकिन आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं, आप सोचते भी नहीं हैं, आप जो बोला जाता है इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन और टू कन्वर्ट ए गुड रिजल्ट. पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये मेरे लिए 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हर क्लास में इसको डिस्कस करता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट एक बात हमें से याद रखिए, यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक टाइम में एक ही चीज कर सकते हैं. दैट मीन्स आप चाहो तो इंजीनियर बन सकते हो, आप चाहो डॉक्टर बन सकते हो, आप चाहो साइंटिस्ट बन, सब कुछ बन सकते हो, लेकिन एक ही चीज तो बनोगे, एक ही टाइम में वही बन सकते हो. तो कभी अपने कैलिबर को जज मत कीजिए. आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो 2 ईयर में आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, तो वो एक ही चीज आप उस मोमेंट पे कर सकते हैं. सेकंड थिंग, यू कैन डू एवरीथिंग इफ इट इज इंपॉर्टेंट एनफ टू डू. दैट व्हाट डज इट मीन? आपने देखा होगा कई बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, बस करते हैं. इसका मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं. जीवन में, लाइफ में कोई भी काम अगर हम करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए. इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर, इफ यू वांट टू गो टू IIT, तो सिर्फ लोगों ने कहा हमें IIT में जाना है, ये सही रीजन नहीं है. आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए. जब आपके पास वैलिड रीजन होगा, तो आप दिल लगा के मेहनत करोगे, आप पढ़ोगे और आप कर सकते हो. लेकिन आपका कोई रीजन ही नहीं है, बस सबने कहा करके IIT जा रहे हैं, तो वो एनफ रीजन नहीं है इस काम को करने के लिए. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन डू एवरीथिंग बट यू. आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी सारे कामों में आप बेस्ट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है. आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट हो सकता है बहुत अच्छा खेले, फुटबॉल ना खेले, खेल सकते हैं एवरेज फुटबॉल. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि यार ये मेरा स्ट्रेंथ है, इसमें तो मैं बहुत कमाल हूं. फोर्थ इंपॉर्टेंट, यू कैन डू एवरीथिंग बट देयर विल बी ए लिमिटेशन. आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन तो है, तो हमें उस लिमिटेशन को आइडेंटिफाई भी करना है करने से पहले. नाउ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए. आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट करना. तो इसलिए अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. अगर अपना टारगेट फिक्स कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. टाइम को मैनेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल यही है. तो सीपेज ऑफ टाइम एक इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे. क्या होता है सीपेज ऑफ टाइम? इससे पहले मैं टाइम कंजर्वेशन की बात करता हूँ. लेट्स से यू हैव 24 आवर्स. कंजर्वेशन का मतलब क्या है? आपके पास घर में 4 काम है. ए, आपको अपनी पढ़ाई करनी, स्टडीज करनी है. बी, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. सी, आपको मूवीज देखनी है. डी, आपको गेम भी खेलना है. इन चारों को आप ऐड कीजिए. 24 आवर्स है, कांस्टेंट वैल्यू है. तो ये हमेशा याद रखिए, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनका एडिशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड फॉर ए डेज इट इज 24 आवर्स. अगर आप ए को बढ़ाते हैं, अपनी स्टडीज बढ़ाएंगे, तो नो डाउट प्लेइंग टाइम कम होगा. अगर आपने प्लेइंग बढ़ाया, तो स्टडीज कम होंगी. तो ये कॉमन चीज़ है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं. तो आप याद रखिए कि टाइम कांस्टेंट है, तो आपकी एक्टिविटी भी कांस्टेंट होगी. कमिंग अप टू सीपेज ऑफ टाइम, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे. सीपेज ऑफ टाइम का क्या मतलब है? कई बार आपने ये रियलाइज किया होगा कि आप इफेक्टिवली अपने 24 आवर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है. अब कैसे वेस्ट होता है? मैं इसको क्लासिफाई नहीं कर सकता. रीजन बिहाइंड कि हर बच्चे का टाइम का सीपेज अलग अलग है, इसको आप जरूर कर सकते हो, तो बहुत आसान है. आपको क्या करना है? आप 1 वीक का टाइम टेबल बनाइए. और जब भी आपने टाइम टेबल बनाया होगा, आपने एक चीज रियलाइज की होगी. मैंने देखा है बच्चों को, मैं कहता हूँ टाइम टेबल बना के पढ़ो. पेरेंट्स भी कहते हैं टाइम टेबल बना के पढ़ो. तो जो उनका स्टडी टेबल होता है, उसके ऊपर बढ़िया एक टाइम टेबल रख देते हैं. और कभी आपने देखा, जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो, लेट्स से आज 25th है, लेट्स से, तो आपका टाइम टेबल बनेगा 26th है. 26th से क्यों? चलो आज तो रिलैक्स हो गया यार, टाइम टेबल कल का ही है. तो ऐसा मत कीजिए. सबसे पहले टाइम टेबल जब बने, तो वो आज से बनाइए. दूसरी चीज, टाइम टेबल बना कौन रहा है? आप. आपको बस इतना करना है, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है. अब मैंने ये देखा है कि आपने टाइम टेबल बनाया 1 वीक का, 26 से लेके लेट्स से 1st of January तक का, 1 वीक का. अब 1 वीक के टाइम टेबल में आपने देखा, फर्स्ट डे का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाए, तो आपने उसको फॉलो करना कम कर दिया. अगले दिन से आपने नया टाइम टेबल के बारे में सोचना शुरू किया, अब यार आराम से करेंगे, ये सही नहीं है. अब मान लेते हैं आपको करना क्या, बस थोड़ा सा चेंज करना है. आप टाइम टेबल बनाइए पूरे वीक का. फर्स्ट डे का टाइम टेबल सपोज आपने कहा 8 to 10 मुझे फिक्स पढ़नी है,
10 से 10:30 मैं थोड़ा रिलैक्स रहूँगा, 10:30 से 12:30 मैं मैथ्स पढ़ूंगा। अब आप दूसरे दिन एनालाइज कीजिए कि उस टाइम टेबल में जो आपने लिखा था उसको कितना परसेंट फुलफिल कर पाए, क्या नहीं कर पाए। तो आप नोट कीजिए, मैं ये टाइम को फॉलो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसका ये रीज़न है। तो जब आप वन वीक के रीजंस को नोट करेंगे तो आप सोच पाएंगे कि हम इतना परसेंट इफेक्टिवली इस वीक को यूज़ कर पाए। यही वो रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो अगले वीक का जब टाइम टेबल बनेंगे तो इस वेस्टेज जो पहले से डे वन से अपने दिमाग में रखाना है कि यार यही वो जगह है जहाँ से हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसे नहीं करना है। और ये आपको 3 consecutive days तक करके अपनी एनालिसिस को पूरी करनी है ताकि आप अपना टाइम को और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए। अब मैं आपको बताता हूँ एक स्मार्ट वे। तो SMART, एस के लिए मैंने स्पेसिफिक लिखा है, एम के लिए मेजरेबल लिखा है, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। सबसे पहले स्पेसिफिक को पढ़ते हैं। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पता नहीं होता कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्या है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से आपका जेई का एग्जाम है, 35 days बचे हुए हैं और आपके कजन की मैरिज है और जेई का एग्ज़ाम। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी अर्जेंट है। अब ये भी क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ऑल गोल एंड इम्पॉर्टेंट्स आर, आपका जो गोल है, जो आपने सोचा है कि मुझे करना है जेई, वो आपका गोल है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा अर्जेंट कुछ नहीं है। इसलिए जब भी इस तरह की सिचुएशन आए टाइम मैनेजमेंट को केस को लेकर के, तो आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि आपके लिए अर्जेंट क्या है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। तो कुछ हद तक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसको प्रायोरिटाइज करते हो। हमेशा अपने गोल को प्रायोरिटाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप कर पाओ। मेजरेबल, 80-20 रूल एक बहुत फेमस रूल है, सभी जानते होंगे। तो इस रूल का क्या मतलब है? अगर आप, लेट्स से आपके पास 10 hours हैं और आपने 8 hours अनफोकस्ड पढ़ाई की, तो आउटपुट 20% का ही मिलता है। लेकिन अगर रिवर्स कर दिया जाए तो बचा हुआ 20% आपको 80% आउटपुट दे सकता है। इसलिए फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा आपने बुक लेके पढ़ बैठे हो 8 hours तक, और एट द एंड ऑफ द डे 8 hours के बाद आपने देखा यार मैंने तो खास न्यूमेरिकल किए नहीं, क्या किया? रीडिंग की, कॉन्सेंट्रेशन नहीं था। तो जब आप रीड करते हो तो पहली बात, तो कई बार मैंने देखा बच्चे ना माइक्रोफोन लगा लेते हैं कानों में, हेडफोन लगा लेते हैं और गाने सुनते हुए भी पढ़ते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप फोकस रहिए कि मुझे ये 8 hours पूरी फोकस से पढ़ना है, कुछ और नहीं करना है। ये थ्योरी है, ये न्यूमेरिकल है, इन दो को सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो अगर आप फोकस्ड हो आउटपुट आपका अपने आप बढ़ जाएगा, तो 80-20 रूल इफेक्टिवली फिट होगा उसमें। कमिंग अप टू थर्ड, अचीवेबल, टारगेट अचीवेबल होने चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास 35 days है, मुझे ये 3.5 chapters एक दिन में करने हैं, तो पहले सोचिए अचीवेबल है या नहीं है। चैप्टर को डिसाइड कर लीजिए, ये डिफिकल्ट चैप्टर है तो हो सकता है हम कम कर दें, ईजी है तो हो सकता है हम बढ़ा दें। अचीवेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रियलिस्टिक। आप जेई के प्रिपरेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको अपना स्टेटस, आपको अपनी चीज़ें डे वन से पता होना चाहिए कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। जब ऑनेस्टली आप टेस्ट देते हो, ऑनलाइन टेस्ट देते हो, तो आपको समझ आता है हमने इतनी चीज़ें सही की हैं, ये गलत की हैं। तो उससे आपको ये पता रहता है कि ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, आपको अपने एक्चुअल सिचुएशन का पता रहता है, तो आप और अच्छी तरह से अपने एफर्ट्स को रिलेट कर पाते हो टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम बाउंडेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि फर्स्ट टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था कितने दिन आपके पास बचे हैं, कैसे आपको करना है। कमिंग अप टू लास्ट पार्ट, कि मैंने आपको अभी ये समझाया कि भाई 4 आपके मेजर क्लासिफिकेशंस थे टाइम मैनेजमेंट के। स्कूल में आप क्या करते हो, क्लासेस में आप क्या करते हो, एग्जाम टाइम में आप क्या करते हो, और अनप्लान विजिट को कैसे आप नो बोलते हो, और किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ हेल्प मिलेगी अपने टाइम को मैनेज करने पे, और कोशिश आप कीजिए कि आप बहुत फोकस्ड होकर के इन 35 डेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए। आई विश ऑल द व्यूअर्स ए वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE 2019। थैंक यू।